श्रीनगर से पहलगाम जाते समय रास्ते में खूबसूरत वादियों के नज़ारों का लुत्फ उठाते वक्त आपके नथुनों में अचानक ही मीठी मीठी खुशबू आने लगती है, मुंह में पानी आ जाता है। बस आप समझ जाइए कि आपकी गाड़ी का काफिला सेब के खेत के बीचों बीच से गुजर रहा है। खिड़की से नजर दौड़ाने पर जमीन से 10 मीटर तक उठे हुए पेड़ दिखाई देते हैं। बस यही है कश्मीरी सेब के खेत। साल के 12 महीने यह खेत सैलानियों के लिए खुले रहते हैं। सेब के खेत में एंट्री फ्री है, अपनी फोटो खींचिए, लेकिन सेब तोड़ना मना है। खेत के बीचों बीच पहुंचते ही आपको लाल चटक सेब दिखाई देंगे। अब आप सेब खरीदे बिना नहीं रह पाएंगे। आज यही तो इनका धंधा है। शहर में 200 रुपए किलो के दाम से बिकने वाले कश्मीरी सेब यहां 40 रुपए किलो से मिलते हैं। ताजा तरीन सेब आपकी तबीयत खुश कर देता है। वो कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे की डॉक्टर अवे। यहाँ तो एक दो नहीं सैकड़ों एप्पल हैं, लाल हरे पीले हर किस्म के, सीधे खेत से। कश्मीर में सड़क के किनारे ही कई सारे एप्पल के बाग हैं। ठंडे मीठे एप्पल तो आप यहाँ खाएंगे ही, लेकिन पेड़ पर लदे एप्पलों को देखना, उसे तोड़ना और तोड़े हुए एप्पल का जूस पीना, इसका मजा अपने आप में कुछ अलग ही है। यहाँ सेब के अलावा एक और दिलचस्प चीज मिलती है और वो है सेब का रस। जूस के शौकीनों के लिए यहाँ का ताजा मीठा बिना किसी मिलावट का रस किसी जन्नत से कम नहीं। कीमत है 20 रुपए। यहाँ सेब से बनी हुई चिप्स, टॉफी और अन्य कई सारी चीजें बच्चे खरीदते हैं। आधा एक घंटा आराम करने के बाद आप फिर पहलगाम का सफर शुरू कर सकते हैं। लेकिन सेब के खेत में की हुई सैर आप जिंदगी भर याद रखेंगे।